तेरी पार्वती पिता। डालना ज्यादा नहीं डालना। राज रतन रसोई में आपका स्वागत है। आज हमारे बच्चों ने कहा मम्मी छोले भटूरे बना लो, तो बेटा बना लेते हैं छोले भटूरे। कितनी देर लगते हैं छोले भटूरे बनाने में? चलो चलो किचन की ओर तैयारी करते हैं। तो मम्मी पहला स्टेप क्या होगा छोले भटूरे के लिए? बेटा सबसे पहले होगा आटा गूंदना पड़ता है। अच्छा। और आटा गूंदना इसलिए पड़ता है कि भाई ये 2-3 घंटे आप लेके रख सकते हो। ठीक है बताओ। और क्या सर्दियों में जैसे मेहमान आने वाले हैं तो रात को भी गूंद के रख सकते हो, बाहर फ्रिज में नहीं, बाहर। अच्छा ठीक है, इसलिए अभी 2-3 घंटे के लिए रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कि ये हल्का सा नमक। और इसमें कितना आटा लिया है आपने? मैंने आटा लिया आधा किलो मैदा लिया है, आधा किलो मैदा लिया है। ठीक है, भटूरे के लिए मैदा। और ये 2 या 3 चम्मच सूजी, खाने वाली छोटी चम्मच जो होती है। ओके ओके। ये 3 चम्मच सूजी। ठीक है ठीक है। और इसमें 1 चीनी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, चम्मच भी भर के नहीं डालनी, कम ही डालनी है। ठीक है ठीक है। उसके बाद जाएगा ये 1 चम्मच घी। ओके। इसमें ज़्यादा नहीं करना, जैसे हम नमक पारे के लिए करते हैं, मुट्ठी बना के देखते हैं, वो नहीं देखना, इसमें सिर्फ थोड़ा सा डालना है। ठीक है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। ओके। दही कितनी डालनी है इसमें? 1 चमचा कम से कम, आधा किलो में। चमचा? हाँ 1 चमचा। अच्छा, मतलब बड़ा चमचा? नहीं छोटा हो वो भी चलेगा। हाँ, मतलब आपने तो आधा कटोरी ले ली ना? नहीं वो छोटा ही चमचा ही था एक। ठीक है ठीक है। अब इसको सबको हम मैश करेंगे। देखो मैंने भगोने में रख दिया आटा गूंद के, ऊपर से मैंने ये घी या तेल का हाथ लगा दो ताकि इसे सॉफ्ट रहे। अच्छा, तो इसको अभी आपने थोड़ा सा गूंदा है, बाकी आप बाद में गूंदोगी? बाद में गूंदेंगे। अच्छा, तो अभी इसे फुलौने के लिए रख रही हो आप? जी 2-3 घंटे रखना है, 4 घंटे रखना, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। देखो मैं अब छोले उबालने जा रही हूँ। छोले उबाल, रात को भिगोए थे मैंने, ये रात को भिगोए थे और उसके बाद ये मैं भिगो रही हूँ दाल में उबालने के लिए। इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ इनको इतना ही डालना है पानी जो छोले ढक जाए। ठीक है। और ये मैं नमक डाल रही हूँ, मैं अभी डाल रही हूँ, बाद में नहीं डालूँगी। तो इसमें सोडा डालता है, तो सोडा तब डालना पड़ता है अगर हमें जल्दी बनाना है, कोई गेस्ट आ रहा है तो फटाफट पानी में उबाला और सोडा डाल के उबाल दिया, लेकिन हमने रात को भिगोई तो सोडा डालने की जरूरत नहीं। इसमें 2 तेज़पत्ता डाल रही हूँ और 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 4 लौंग और 4 काली मिर्च ये डाल, और 1 छोटी इलायची। सूखा आंवला भी डाल सकते हैं पोटली बना के, अगर वो नहीं है तो चाय की पत्ती का उबाल के जैसे मैं डाल रही हूँ वो देख लीजिए। अच्छा, वो कलर के लिए? हाँ कलर के लिए। और इसमें पानी इतना ही रखना है छोले? हाँ, से जस्ट ऊपर। हाँ ठीक है। तो जैसे ये चाय का पानी है इसमें मैंने डायरेक्ट इसमें डाल दिया है ये, तो इससे कलर आ जाएगा, कलर काला काला हो जाएगा। हाँ, ना जैसे मार्केट हाँ, में होता है। हाँ मार्केट जैसा कलर आ जाएगा। ठीक है, देखो फिर ऐसे आ जाएगा इसको उबलने के बाद। अच्छा, और अभी से इसमें कितनी सीटी लगानी है, क्योंकि हमारे वाले तो ओवरनाइट सोक किया हुआ है हमने, तो 5-6 सीटी तो तब भी लगानी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। ये नायरा ने बनाई थी माता जी, उन्होंने उसने देखा और उसने ये बनाई थी, तो मैं इसको रिमूव नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं। ये देखो हमारी सिंपल सी डेकोरेशन। आज मैं फिर छोले भटूरे के साथ जैसे अचार मिलता है मार्केट में, मैं मिर्च फ्राई कर रही हूँ उसी के साथ। इसमें आपने नमक लगाया ना अंदर? जी, बस जी नमक लगाया है,
मैं कोई भी चीज़ बिना नमक के मिर्च नहीं फ्राई करती। अमचूर वाली नहीं बनाई आपने? नहीं नहीं, ये छोलों के साथ ये वैसे भी। अच्छा, ये तो खट्टा ही बनेगा छोले। हाँ हाँ, इसलिए नमक वाले बना लिए हैं। अब छोले की तरफ चलते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच तेल। एक चम्मच तेल गरम जी। और मैं इसमें बस एक ही चम्मच तेल जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा, ज़्यादा नहीं है। जीरा डाल रही हूँ मैं। ओके, और जीरे के बाद मैं डाल रही हूँ ये कटा हुआ प्याज और अदरक। अदरक और प्याज इसका डाल देना? हाँ जी हाँ जी, डाल कटा हुआ है ना, पिसा हुआ नहीं है। देखो अब मैं लहसुन डाल रही हूँ। प्याज थोड़ा सा हो गया है और लहसुन डाल रही हूँ। अब बारीक लहसुन था ना, मिक्सी का पिसा हुआ, देखो दग नहीं लगाई, इसलिए बाद में डालना होता है। अच्छा, प्याज मतलब ब्राउन हो जाए उसके बाद लहसुन डालो? नहीं, हल्का सा मुरझा जाए मतलब। अच्छा, प्याज हल्के से मुरझा जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। ओके, ये मैंने चार टमाटर लिए हैं इसलिए। मसाला भुन गया? हाँ, मसाला भुन गया। अब मैं थोड़ी मिर्च डाल रही हूँ, अपने हिसाब से डालना है। हल्दी, हल्दी ठीक है, हल्दी डाल दी है मैंने इसमें। ये डाल दी मैं धनिया, ठीक है, ये हो गया मेरा। उसके बाद जब मसाला भुन जाएगा तो मैं जब कुकर बंद करूँ, मैं छोले डालने जा रही हूँ। ये देखो, ये चने जैसा कलर लग रहा है इनका, छोलों का, और ये है छोले ही। हाँ, छोले ही तो हैं। ये चाय का पानी डाला था ना, तो इसलिए। इसमें आप आलू भी तोड़ के डाल सकते हो और मोटा आलू भी काट के रख, कई बार बच्चे मांगते हैं तो काट के डाल सकते हो आराम से। ऐसा नहीं है कि छोले भटूरे में आलू नहीं डलते, डलते हैं। वो तो ऊपर से फ्राई करके डालते हैं लोग। जैसे मर्जी डाल लो, कोई फ्राई करके डालता है, कोई काट के डाल लेते हैं, तो उससे कोई वो नहीं होता। मैं पानी डालने जा रही हूँ और कुकर बंद करने जा रही हूँ। डालो पानी, बस इतना ही है डालना, ज़्यादा नहीं डालना। और उसके बाद डाल, ठीक है। वाह, मैं कुकर बंद करने जा रही हूँ। कुकर बंद करके कितनी सीटी लगानी है? दो तीन लगा के मंदी गैस छोड़ दो बस। पाँच मिनट के लिए? दस मिनट, पाँच मिनट बस। गणेश देवा माता तेरी पार्वती सेवा, एक दर्पण सिदन सेवा, हर विष्णु दाता। अभी आटा मैंने रख के निकाल लिया। अब इसमें इनो डालने जा रही हूँ, ठीक है। ये इनो है मेरा, एक पूरा पैकेट। हाँ, एक पैकेट, आधा किलो आटा है ना। अच्छा, तो इसमें एक घूंट पानी डाल लेते हैं, ऐसे ये हो जाएगा। झाग झाग आ जाते हैं ना इस तरह। ये फिर इसे खूब गूंदना है। हाँ,
काफी फूले हैं भाई। बढ़िया टेस्ट। अच्छे हो रहे हैं, मस्त बन रहे हैं। फूला भी है काफी, सॉफ्ट भी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैप्पी दिवाली, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।